ओम शांति। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 29 के बाद की 30 जुलाई की, और आज करेंगे 30 और 31 जुलाई की हम रिकॉर्डिंग, जो कि आप सुन पाएंगे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे। तो देखिए, परमपिता परमात्मा हमें कहते क्या हैं। कल के वरदान में परमात्मा ने कहा था कि हमें अपनी समस्याओं को उड़ते हुए पार करना है, और हमें समय को, अपनी रचना को अपने कंट्रोल में रहना है। समय हमारे साथ में इन ट्यून हो जाए, हमारे साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी शुरू करते हैं। ये करते कैसे हैं, इसको हम यूज़ करते हैं मेडिटेशन पावर्स के द्वारा, कुछ संकल्पों के द्वारा जो कि मेडिटेशन में यूज़ करते हैं, ताकि हम अलाइनमेंट में आ जाएं सारी दुनिया के साथ में, सारे तत्वों के साथ में, सारी आत्माओं के साथ में। तो देखें, परमात्मा कहते क्या हैं इस वरदान में। बाबा कहते हैं, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। किस लिए नहीं रुकता? आप भले रुक जाएं, लेकिन समय नहीं रुकेगा। और मैंने एक चीज़ देखी, अगर आप समय के लिए वेट करेंगे तो समय ही बदल जाएगा, और आप जो करना चाहते थे वो आप कर नहीं पाते हैं। इसलिए समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हमें सारे चारों तरफ की आत्माओं, सारी शक्तियों से समय के साथ में हमें इन ट्यून फ्रिक्वेंसी में मैच करा देता है। समय कभी रुकता नहीं, यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, हमने क्रिएट किया है समय को। हम ही कहते हैं कि हाँ, आज करेंगे या कल करेंगे या 10 दिन बाद करेंगे या 10 साल बाद अचीव करेंगे। परमात्मा कहते हैं वो हमारी रचना है, आप रचयिता हो। इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं, तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। जो लोग सोचते हैं कि नहीं, जो फिजिकल दुनियावी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं आत्मा उनसे ऊंची हूँ, मेरे संकल्प उनसे ऊंचे हैं, मेरे स्वभाव उनसे ऊंचे हैं, मेरे संस्कार भी उनसे भी ऊंचे हैं, तो 5 तत्व की जो चीज़ें हैं वो मुझे रोक नहीं सकती हैं। 5 तत्व मतलब ये शरीर 5 तत्व का हो गया, और बाकी जो चीज़ें हैं बहाने नहीं मार सकते हैं। वेदर ऐसा था, क्या करें, पैसा नहीं था, क्या करें, शरीर में प्रॉब्लम आई हुई थी। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे माइंड को, हमारे इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि और संस्कारों को कमज़ोर कर देती हैं, तो हम बहाने नहीं मार सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्या के पहाड़ भी आ जाएं, तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। उड़ने वाले इन समस्याओं से ऊपर, पहाड़ क्या होता है, पहाड़ रोक देता है आपको, पहाड़ के ऊपर उड़ना। मतलब कि आपने सोचा कि ये कोई समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, चाहे धन की समस्या, संबंध की समस्या, चाहे आपके किसी भी व्यक्ति के साथ में प्रॉब्लम्स हों, चाहे आपके शरीर की प्रॉब्लम्स आ जाएं। परमात्मा तो कहते हैं, सारी चीज़ों का आप ऊपर से उड़ो उनके, और उनके ऊपर जीत पाओ। अगर उड़ने वाली चीज़ बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उड़ना है, रुकना नहीं, बाबा कहते हैं। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं। थकावट कब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा अपने फिजिकल सराउंडिंग्स के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तब थकावट होती है। अगर ऐसा होता तो ये अच्छा रहता, ऐसा ना होता तो अच्छा होता, वो लोग ना होते तो ठीक रहता, ऐसा परिवार ना मिला होता तो ठीक रहता, ऐसे साथी ना होते, ऐसे वाइफ या हस्बैंड ना होते। तो हम सिर्फ बाहर 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 की चीज़ों को हम बड़ा बनाते हैं, और उसी को पहाड़ बना देते हैं, और फिर वो पहाड़ को क्रॉस करना हमें मुश्किल लगता है। परमात्मा कहते हैं, अपने अंदर झाँक के देखो, आत्मिक बल को अपना बढ़ाओ, आत्मा समझ करके आगे चलो, और किसी पे भी निर्भर नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं, 5 तत्वों से भी कोई इच्छा नहीं, वो आपके सहयोगी हैं। ये कैसे करें हम, इसके लिए हमें कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, 7 डेज का, जिसमें कि गहराई से बातें बताई जाती हैं। इसके साथ ओम शांति।